नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। इससे पहले लाइक जरूर करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड जरूर जरूर सेंड करना है। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। एक कार्ड में मिल चुका है यहाँ पर, और यहाँ पर है परफेक्ट टाइमिंग। क्या खूबसूरत कार्ड यहाँ पर आया है। देखो, बहुत ही ज़्यादा ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन को भी समझ में आ रहा है कि यही सही समय है आपकी तरफ जाने का, आपसे बात करने का। यस प्लीज गाइड कीजिएगा। यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आजकल खुद को बहुत शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आप ऐसे हो सकते हैं कि आपके पर्सन को बहुत गुस्सा आता है, ठीक है, और ये आपकी जो पार्टनर है इस वक्त खुद को शांत रखने के लिए हो सकता है कि गुस्सा कम कर रहे हैं, या वो चाहते ही नहीं है कि अब आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाए। हो सकता है आपके जो पर्सन है हमेशा बातों को टालने की कोशिश करते थे, ठीक है। हो सकता है कि इस इंसान ने हमेशा ही बातों को टाला है। जब जब आप इस इंसान की तरफ से कोई डिसीजन चाहते थे, जब 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 आप चाहते थे कि इंसान डिसीजन ले, आपको कमिटमेंट दे, हो सकता है इस इंसान ने हमेशा बातों को टालने की कोशिश की है। पहले हम इस वक्त से देखते हैं क्या एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। आपके पर्सन देखो वापस वही एनर्जी है दोबारा, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पर्सन ने बहुत ज्यादा बेवजह, हो सकता है कि इस इंसान ने आपके ऊपर गुस्सा किया, और अब बड़े शांत दिखाई दे रहे आपके पर्सन। ट्रस्ट, अगर आपके पर्सन को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं हो रहा था, तो आपके पर्सन अब आपके ऊपर ट्रस्ट कर पा रहे हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर है। मेडिटेशन कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं, और जैसे कि इस इंसान का जो इनर वॉइस है ना, इस इंसान को कुछ सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि यही परफेक्ट टाइमिंग है आपकी तरफ आने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी वो जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसा नहीं कि बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं आपकी तरफ आ रहे हैं, नहीं, वो सोच समझ कर डिसीजन ले रहे हैं। अगर इस इंसान ने हमेशा ही आपको ब्लेम किया है, तो अब ये इंसान अपने भीतर झांकने की कोशिश कर रहा है कि इसकी खुद की क्या गलतियाँ हैं। गलतियाँ तो हर किसी से हो जाती हैं, यहाँ पर कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो अगर अब तक ये इंसान समझ रहा था कि इसकी खुद की कुछ भी गलतियाँ नहीं हैं, तो अब ये इंसान समझ पा रहा है कि इसकी खुद की क्या गलतियाँ हैं। ये अपने आप के ऊपर फोकस करके अपने भीतर जाकर अपनी गलतियों को समझने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त आपके पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जी है कि आपके पर्सन हैप्पी रहना चाहते हैं, जो भी टेंशन है, जो भी एंजाइटी है, उसको रिलीज करना चाहते हैं, टेंशन फ्री रहना चाहते हैं वो। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिएगा। यहाँ पर देखो, हियर एंड नाउ की एनर्जी आई है। हो सकता है कि इंसान पास्ट की एनर्जी में बहुत जीता रहा है, ठीक है, हमेशा पास्ट के बारे में सोचना या तो फ्यूचर की चिंता करना, ठीक है। लेकिन अब जो यहाँ पर एनर्जी आई है, आपके पर्सन हियर एंड नाउ, अभी इस पल में जीना चाहते हैं, और अभी इस पल में आप उनके साथ नहीं हो, अभी इस पल में वो आपके पास आना चाहते हैं। ये बातें उनको समझ में आ रही है, ना वो पास्ट में जाकर कुछ बातों को बदल सकते हैं, ना वो फ्यूचर में जाकर कुछ बातों को बदल सकते हैं, तो जो भी है इसी पल में है। हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचता है, बहुत फ्यूचर के बारे में सोचता है। आपके पर्सन बहुत पैशनेट सा फील कर रहे हैं आपके लिए, वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो ट्रस्ट करना चाहते हैं अपने हार्ट के ऊपर, आपके ऊपर, वो दिल की सुनना चाहते हैं। आपके पर्सन का हाल कुछ ये है, और देखते हैं क्या एनर्जी हमें मिलती है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर सेवन ऑफ कप्स है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से यहाँ पर एनर्जी आ रही है, हो सकता है किसी किसी के लिए आपके पर्सन के पास ऑप्शन थे, या किसी किसी के लिए इंसान बड़ा कंफ्यूज था, ठीक है, और अभी भी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जी अगर देखी जाए, तो हो सकता है कि अगर ऑप्शन थे इस इंसान के पास, तो वो उस ऑप्शन के बारे में भी सोच रहे हैं, और अब उनको आपकी तरफ आना ही आना है, ठीक है। चाहे किसी किसी के लिए वो ऑप्शन परिवार भी हो सकता है, कि परिवार नहीं मान रहा है, उनके परिवार की भी सुननी है उनको, आपकी भी सुननी है, या उनका करियर, ठीक है, उनको अपने करियर के ऊपर भी फोकस करना है। आपके पर्सन समझते हैं कि आप ही सही हो, ठीक है। अगर इस इंसान ने पहले आपको नहीं समझा था, इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपका स्वभाव,
या आपकी जो इंटेंशन है इस इंसान के लिए वो कितने सही थे, आप कितने प्योर हार्ट थे, और ये इंसान तो मतलब हमेशा आपको गलत समझता रहा है। तो ऐसी एनर्जी है कि आप सही हो और आपकी तरफ ही उनको आना पड़ेगा, ज़रूरी है उनके लिए, क्योंकि उनका जो फ्यूचर है ब्राइट वो आपके ही साथ है। और वो देखो इस रिलेशनशिप में अगर कुछ एनर्जी है तो आपके पर्सन चाहते हैं इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाना, और उसके लिए वो बहुत ज़्यादा गहराई से सोच रहे हैं, कुछ आंसर्स ढूंढने की कोशिश भी इंसान कर रहे हैं, और वो चाहते हैं इस रिश्ते को बहुत ही सक्सेसफुल बनाना, ठीक है। किसी किसी के लिए थोड़े घमंडी टाइप आपके पर्सन हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं भगवान को कुछ भी हो जाए लेकिन इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग हो जाए। हो सकता है आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा गांठे पड़ गई हैं जिन गांठों को सुलझाना इतना आसान भी नहीं है। हो सकता है इतने ज़्यादा झगड़े हो गए, हो सकता है इस इंसान ने कुछ इतनी ज़्यादा गलतियाँ कर दी कि अब उन गलतियों को किसी किसी के लिए माफ़ करना मुश्किल हो सकता है, या इतनी ज़्यादा गलत फहमियाँ हैं आप दोनों के बीच में कि उस गलत फहमी को दूर करना बहुत मुश्किल हो सकता है। उनको तो आपकी तरफ अभी के अभी आना है, ठीक है। उनको लगता है कि जो भी है इसी पल में है, वो अभी अगर डिसीजन लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन दूसरी तरफ उनका मन क्या कहता है उनको कि बहुत ज़्यादा गांठें पड़ गई हैं, ठीक है, और अगर वो जल्दबाजी करेंगे तो और ज़्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक मन इस इंसान का कहता है कि वो अभी के अभी भाग कर दौड़ कर आपके पास आए, और दूसरा मन इस इंसान का कहता है कि जल्दबाजी करके वो चीज़ों को और ज़्यादा ख़राब कर देंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा गांठें पड़ गई हैं, उनको सुलझाने में थोड़ा वक्त लग सकता है। वो भगवान को प्रे कर रहे हैं कि सच्चाई के साथ इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग हो जाए, ठीक है। आपको बहुत मिस कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे कि अपनी गलतियों को ये मान रहे हैं, जो भी इसने गलतियाँ की, अगर अब तक ये इंसान अपनी गलतियों को मानता नहीं था ना, हो सकता है इस इंसान को बहुत रिग्रेट हो रहा है कि उसने अपने ईगो में आकर बहुत खुद का ही लॉस कर दिया है। तो जो एनर्जी यहाँ पर है, आपके पर्सन एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस, बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी यहाँ पर है एस ऑफ सोर्स। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि इस इंसान को बड़ा कन्फ्यूजन है कि वो अपने करियर के लिए कुछ करे या अपने रिश्ते के लिए कुछ करे, बहुत सारा कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में हो सकता है इस वक्त कि वो करे तो क्या करे, कैसे बढ़े आपकी तरफ, कैसे इस रिश्ते को सक्सेसफुल बनाए। और वो आपको खो भी नहीं सकता, आप हो इतने अच्छे व्यक्ति, ठीक है। इस इंसान ने आपके जैसा इंसान कभी देखा नहीं जो इस इंसान को इतना ज़्यादा प्यार करता है, ऐसा व्यक्ति इस इंसान ने कभी देखा ही नहीं, ठीक है। इनके घर में कोई पेट भी हो सकता है, या तो इस इंसान के घर में कोई पेट हो सकता है या आपके घर में कोई पेट हो सकता है। अगर आप एक लड़की है तो आपके बाल बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, आँखें बड़ी खूबसूरत हो सकती हैं, आपको एनिमल्स से बहुत ज़्यादा प्यार हो सकता है, और बड़ी केयर करते हो, हर किसी की बड़ी केयर करते हो आप हमेशा दूसरों का भला चाहते हो, दूसरों की केयर करना, दूसरों का भला चाहना, इमोशंस में आप बहुत अटक जाते हो, ठीक है, भावनाओं में आप बह जाते हो, कभी कभी भावनाओं में बहकर गलत डिसीजन भी ले लेते हो, और ये सब कुछ आपके पर्सन को पता है, वो जान पाते हैं आपको, वो समझते हैं आपको कि आप कैसे व्यक्ति हो। तो ये कुछ एनर्जी यहाँ पर है, और वो ऐसे व्यक्ति को खोना नहीं चाहते हैं, उनको लगता है यही सही समय है कि वो आपको अपने दिल की बात बोले, वो सच्चाई के साथ एक न्यू बिगिनिंग करे, ठीक है। लेकिन कन्फ्यूजन अभी भी जारी है, कन्फ्यूजन इस इंसान के दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रहा है। आपके दिल का हाल क्या है? सबसे पहले यहाँ पर दी सन की एनर्जी है, मुझे यहाँ पर ऐसे ही लोग दिखाई दे रहे कि आपका हैप्पीनेस, ठीक है, आपका हैप्पीनेस ये पर्सन है, आप चाहते हो कि आपको इसी इंसान के पास रहना है, और अगर ये इंसान आपके साथ नहीं है तो आप बिल्कुल भी हैप्पी नहीं हो। आपको लगता है कि ये जो व्यक्ति है बड़ा देर लगा रहा है, ठीक है, डिसीजन लेने में आपको लगता है ये बहुत देर लगा रहा है। जिस तरह से आप एनर्जी हैं, आपको एक तरफ तो लगता है कि ये इंसान बड़ा फायरी भी है, ठीक है, इसको बड़ा गुस्सा भी आता है, किसी किसी के लिए ऐसा लगता है कि आपको डर लगता है कि ये इंसान बहुत पैशनेट है आपके लिए, तो कहीं ये आपके साथ धोखा तो नहीं कर रहा है, ये डर आपके मन में हो सकता है। आपने गुस्से में आकर इस इंसान को कुछ बोल दिया है, ठीक है, एक होता है ना गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में इंसान ज़्यादा सोचता नहीं है, ठीक है, सोचना जैसे बंद हो जाता है उसका, और फिर वो गुस्से में आकर कुछ बोल देता है, वैसे वाले कुछ एनर्जी यहाँ पर हो सकती है। आपने गुस्से में आकर कुछ बोल तो दिया लेकिन अब आपको पछतावा हो रहा है, ठीक है, ऐसा हो सकता है, किसी किसी के साथ रेजोनेट करेगा कि आपको बहुत पछतावा हो रहा है कि आपने क्यों इस इंसान को बोला जो भी बोला,
और यहाँ पर कुछ ऐसे एनर्जी हैं कि या तो आपको लगता है कि इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो क्या ये उस जिम्मेदारी को निभाएगा, या आपको ऐसा डर लगता है कि क्या ये आपकी जिम्मेदारी को निभाएगा कि नहीं निभाएगा। बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगा। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आपके पर्सन के लाइफ में हो सकते हैं या आपके लाइफ में हो सकते हैं। जिस तरह से आप एनर्जी है, आप चाहते हो कि इंसान फास्ट आए, फास्ट एक्शन ले, लेकिन जो रुकावट है इस रिश्ते में ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। और बॉटम में यहाँ पर फाइव ऑफ वांड्स, ये दोनों की एनर्जी है। देखो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि दूसरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, परिवार हो सकता है, जिनकी वजह से आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुए हैं। किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आपसे जलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो आपकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं बनने देना चाहते और हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। या किसी किसी के साथ रिजल्ट होगा कि आपके पर्सन को भी लगता है कि आपको चाहने वाले ज़्यादा हैं, या आपको ऐसा लगता है कि उनको चाहने वाले ज़्यादा हैं। कोई ऐसा भी डर हो सकता है कि जैसे कोई कॉम्पिटिशन है, ठीक है, हो सकता है आपके पर्सन के रिश्ते आ रहे हो या आपके लिए रिश्ते आ रहे हो, तो एक डर सा है मन में कि वो आपके प्यार को हारना तो नहीं चाहते हैं, वो इस प्यार में जीत चाहते हैं और आप भी जीत चाहते हो। दोनों का मन एक दूसरे के बिना लगता नहीं है, दोनों भी एक दूसरे की तरफ बहुत खिंचाव सा फील करते हो, लेकिन उतने ही ज़्यादा यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो जो एनर्जी यहाँ पर है, बहुत ही कन्फ्यूजन, बहुत ही टेंशन, बहुत ही ऑब्स्टेकल्स ऐसे कुछ नज़र आ रहे हैं, और आप भी बड़े परेशान हो रहे हो सोच सोच कर, जबकि आपको पता है कि आपकी सारी खुशियाँ इस इंसान से जुड़ी है। आप भी अट्रैक्शन फील कर रहे हो और आपके पर्सन भी बहुत अट्रैक्शन फील कर रहे हैं आपके लिए, दोनों भी एक दूसरे की तरफ जाना चाहते हो। इस वक्त आपके लिए क्या सुनना ज़रूरी है, एंजल प्लीज़ गाइड कीजिएगा, आपको क्या सुनना ज़रूरी है। लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन मिल रहा है आपको एंजल की तरफ से जो शायद आप देख नहीं रहे हो। साइन देखना आपको ज़रूरी है। एंजल आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो कोई एंजल नंबर्स हो, कुछ ना कुछ साइन आपको मिल रहे हैं। और ट्रस्ट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा, इस व्यक्ति के ऊपर भी आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो। मैंने पहले ही बोला कि कुछ ट्रस्ट इश्यू यहाँ पर हो सकते हैं किसी किसी के लिए, तो ना आप खुद पर ट्रस्ट कर पा रहे हो ना इस रिश्ते पर, तो आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, डेफिनेटली वो प्रॉस्पेरिटी, वो खुशियाँ आपके लाइफ में आने वाली हैं अगर आप ट्रस्ट करते हो खुद के ऊपर, ठीक है, और आगे बढ़ते हो तो अबंडेंस आपके लाइफ में आकर रहेगा। करियर से जुड़ा भी कोई सवाल है तो डेफिनेटली उसमें ग्रोथ आने वाली है, सक्सेस एंड ग्रोथ आपके लाइफ में आने वाली है। अगर कोई हेल्थ का इश्यू है या किसी और के लिए आप प्रे कर रहे हो, डेफिनेटली इम्प्रूविंग हेल्थ, डेफिनेटली यहाँ पर इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहा है, हेल्थ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। किसी का भी हेल्थ से जुड़ा अगर कोई सवाल है तो एंजल ने आपको आंसर दिया है कि आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, या अगर किसी और के लिए भी आप पूछ रहे हो तो उनकी भी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ बातें यहाँ पर आए हैं। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।